हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। मैं मोहम्मद शहजाद। एक दिल दहलाने वाली खबर नागपुर से लगातार सामने आ रही है, और सिर्फ नागपुर से ही नहीं, पूरे इंडिया से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, बच्चा चोरी के वीडियो। अभी 3 से 4 दिन पहले, अभी हम जाफरनगर में हैं, 3 से 4 दिन पहले एक इंसिडेंस और हुआ था बच्ची चोरी का संडे को, और अभी एक दिल दहलाने वाला वाक्य। पहले मैं आपको उस बच्चे का वीडियो फुटेज दिखाऊंगा, वो मोबाइल में वीडियो अगर कोई बता दे तो। ये देखिए, ये वीडियो देखिए व्यूअर्स, ये बच्चे का ऐसा कहना है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये बच्चे का ऐसा कहना है कि इसे कार में भरकर कोई लेके जा रहा था, ये बच्चा कार से छलांग लगाकर कूदा और अपनी जान बचाया। और जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी जो दो वाक्य थे, सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम साबिर खान है, मैं यहाँ का शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे अपने जो पी आई है उनको ये बात बताया था कि भाई यहाँ पे सज्जू भाई है जो टीचर कॉलोनी में रहते, इनके घर में ही सेम प्रॉब्लम है कि दो नकाबपोश आए और उनके साथ एक आदमी भी था, और वो घर में घुसे और उस लेडीज को उन्होंने गला दबाया, उसको मारा, उसको मुंह बंद करा। उसके बाद भी पीआई साहब का कहना है और वहाँ के पुलिस वालों को कहना है कि भाई ये एक नॉर्मल बात है कि भाई हो सकता है वो औरत को बीपी चढ़ गया होगा या तबीयत खराब होगी इसलिए बोल दिए, लेकिन ऐसा नहीं था, उसको उन्होंने बहुत लाइटली लिए। मैं चाहता हूँ ये लाइटली नहीं था, और पूरे जाफरनगर में ये बात बहुत शोर से बहुत सारे टीवी चैनल वालों ने इसको कवर करा। उसके बाद भी ये पुलिस वाले आए बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने वहां पे गश्त करी और गश्त देके उन्होंने अपना काम करा, लेकिन उस बात को उन्होंने बहुत लाइट ले लिया उनको, जबकि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए था, उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए था, उन्होंने वो बात उन्होंने करे नहीं। और वो वहां पे उन्होंने लोगों से उतना अच्छा तरीके से पूछा भी नहीं कि भाई कौन आदमी था, 2-4 जगह उन्होंने बस पूछ लिए और बात रोक दिए। तो हमारा ये कहना था कि अच्छा आज की घटना के बारे में कुछ बताइए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब हमने ये बात हमने बहुत लाइट ले लिया, अगर वो लाइट अगर ने ले लिया इसी, अगर ये तो सेकंड घटना हुई, अगर ये रियल में वो बच्चा चोरी हो जाता तो हमारी पहले वाली घटना का कोई मायने नहीं था, और पहले वाली घटना को अगर वो सीरियस ले लेते तो आज वाली घटना नहीं होती। तो हमारे खास तौर पे मैं गिट्टी ग्राम के थानेदार साहब जो पीआई साहब ढोरे साहब है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने बहुत लाइट लिए इसको, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए था। और हमारा उनको मैंने पहले भी बोला था कि सर अगर आप लोगों ने इसको ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम शिवसेना आपके ऊपर आंदोलन करेंगी, तो लेकिन उन्होंने उसके बात को ध्यान नहीं दिए, अब उन्होंने सेकंड काम हो गया। क्या हुआ आज? आज जो बच्चे को उन्होंने, मैं सुनने में आया क्योंकि यहाँ मैं नहीं था, लेकिन सुनने में आया कि जस्ट एक वैन में उन्होंने बच्चे को पकड़ा और थोड़ी दूर लेके गया तो बच्चा हाथ काट के नीचे कूद गया, वो बच्चा खुद बताया, और वो बच्चे वहां से भाग गया और लोगों के सामने आया और वो वैन भाग गई। तो लेकिन बच्चे जो वैन को नहीं देखा गया या उसका नंबर नहीं है वो हमें पता नहीं, लेकिन ढोरे साहब का अब पीआई साहब का अब बहुत जरूरी है कि हर तरफ नाका बंद करा जाए और वो वैन को जल्दी से जल्दी पकड़ जाए, और जो भी ये बच्चे को चोरी करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा कोई ऐसा एविडेंस या किसी ने कुछ देखा कि उस वैन में और भी बच्चे थे क्या? बच्चे ने बताया, लेकिन बच्चे ने बताया हमें थे करके। क्या बताया बच्चे ने? कि 2-4 बच्चे थे करके। अच्छा उस वैन में और 2-4 बच्चे थे ऐसा कहा जा रहा है, और उस वो वैन कहाँ से गई थी? वैन इधर से गई थी। अच्छा ये तो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाल रही है? नहीं नहीं नहीं, सीसीटीवी अच्छा, खंगाल रही है ना, अभी खंगाल रही होंगी। ये इंसिडेंट व्यूअर्स जस्ट अभी हुआ है, हम जाफरनगर में है, और एक वीडियो हम आपको और एक बार दिखाएंगे बच्चे का। एक बच्चे को किडनैपर बोलो या बच्चा चोर बोलो, गाड़ी में भर के लेके जा रहे थे ऐसा बच्चे का कहना है। इस बच्चे का ये वीडियो, ये न्यूज के बाद हम अच्छे से आपको ये वीडियो दिखाएंगे। इस बच्चे का ऐसा कहना है कि इसे किडनैप करके गाड़ी में लेके जा रहे थे, उस वैन में 4 बच्चे और थे, ये बच्चे ने किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर चलती गाड़ी से कूदा और ये अपनी जान बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुआ, इस बच्चे का ऐसा दावा है। और 2 दिन पहले संडे को भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, सज्जू भाई ये बाजू में खड़े हैं, तो आप बताइए आपके यहाँ क्या हुआ था? हमारे यहाँ पे जो ये दो जो है नकाब पहन के दो औरतें आई थी और एक मर्द था, वो दो औरतों ने जो है एक बूढ़ी औरत को जो है मुंह दबा के मारा और जो है उससे जो बच्चे छीनने की कोशिश की थी, और जो है उसके बाद में जो अभी ये एक नई घटना सामने आई है, इसके अंदर जो है ये बच्चा है काटो रोड के, यहाँ काटो रोड के तरफ का था बोलते हैं, और ये बच्चा जो अभी यहाँ अहबाब कॉलोनी चौक पे जो है वैन से कूद के, 14 साल का बच्चा है और ये वैन से कूद के जो है बाहर आया है, और जो है अभी पुलिस वालों ने इनको जो है लेकर गया है, इसके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे,
क्योंकि बोले यहाँ अहबाब कॉलोनी और जो हमारे एरिया के जो है बच्चे जो है सुरक्षित नहीं है। अच्छा, उस बच्चे ने अपना नाम भी बताया है शायद? नाम नहीं बताया। नहीं, किसी ने भी बताया? बच्चे ने नाम बताया? वो बच्चे का नीलेश ठाकुर नाम है। बच्चा नीलेश ठाकुर? नीलेश ठाकुर वो बच्चे का नाम है। वो बच्चे का वीडियो इस न्यूज के बाद हम एडिट करके NNTV हमारा यूट्यूब पर चैनल है उस पर अपलोड करने वाले हैं। अगर आप किसी का जान पहचान का वो बच्चा हो तो तुरंत आप ये कौन सा पुलिस स्टेशन आएगा, तुरंत आप गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करें। खदान के इंचार्ज ये भी बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है। गिट्टी खदान के जो इंचार्ज हैं वो ये हमने सुना है अभी कई लोगों के मुंह से। नहीं, मेरे सामने भी बोले पुलिस ने ये अफवाह फैलाया जा रहा है जाफर नगर के लोगों ने और कुछ लीडर लोगों ने ये अफवाह फैलाकर माहौल गलत पेश कर रहे हैं। वो मैं नेताजी से बताना चाहूंगा कि वो बयान दें अपना सही सही। नहीं, इस टॉपिक पर मैं भी कहना चाहूंगा, मैं खुद आज दोपहर में न्यूज कवर करने आया था कि उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। तो मौके के मौके वारदात पर जब हम इंटरव्यू लेने आज गए तो हमें वहाँ पुलिस मिली और हमें भी पुलिस वालों ने यही समझाया कि ये एक अफवाह है। इन्होंने लेके आए हैं, इनको दिखाइए। किसको लाए? इनको। आइए। तेजस गुप्ता। वो लड़के को? बच्चे का नाम बता रहे हैं। तेजस गुप्ता है। तो आप जानते हो बच्चे को? हाँ, हमारे रेंट में रहते हैं। अच्छा, आप क्या रहता है वो बच्चा? हाँ। कहाँ पे? ये शुक्ला का बाड़ा, ज्वाला माता। तो अभी तो कोई कह रहा था कि काटोल का है बच्चा? नहीं नहीं, यहाँ का ही, अपने बाजू का। आप पहचानते हैं? हाँ, मेरे किराएदार है रेंट में। उनके माँ बाप का क्या कहना है? बच्चा कैसे कार में गया? अभी ये बच्चे बताएंगे, मैं क्योंकि मैं बाहर से आ रही हूँ, अभी यहीं से आई दुकान से। बच्चे का नाम पता? तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बच्चे का एड्रेस मिल चुका है, तेजस गुप्ता। हाँ, तेजस गुप्ता बच्चे का नाम बताया जा रहा है। बच्चे का रहना शुक्ला ज्वाला माता मंदिर के पीछे। तो व्यूअर्स, अगर किडनैपर उस बच्चे को, उसके पिताजी क्या करते हैं? उसके पिताजी नहीं, मम्मी काम करती है, काम भाई है। भाई है, बताइए, पैसे वाले घर का बच्चा नहीं है, इसका मतलब इंटेंशन किडनैपिंग नहीं है, बच्चा चोरी ही इंटेंशन है। क्या कोई ऑर्गेन बेचने वाला ग्रुप सक्रिय है पूरे इंडिया में? बहुत बड़ा मामला है। हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री से गुजारिश करेंगे कि वो इस ओर ध्यान दें। नागपुर के कमिश्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक सीरियस मैटर पर ध्यान। जो भी अपडेट निकल कर आएंगी NNTV आपको अवगत कराता रहेगा और इस बच्चे का वीडियो NNTV हमारे YouTube चैनल पर आपको एक आधे घंटे में देखने मिल जाएगा। बने रहिए NNTV के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।